we're going to make a rajma ki galoti. So we will start directly with cooking this with a lot of ghee in a pan. Aur thoda sa rajma. Dheemi aanch par ise bhunna hai. इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा, और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर यानी जीरा, और इसे प्यूरे करना है एक छोटे से मिक्सी के जार में. इसे सीधे ही मिक्सी के जार में डालना पड़ेगा और एक फाइन प्यूरे बनानी पड़ेगी. अब इसे करेंगे ब्लेंड, प्यूरे निकालेंगे इसकी. हमारी ये प्यूरे अब बन चुकी है एकदम गाढ़ी. इस प्यूरे को निकाल लेते हैं हम इस बोल में. अब इसे हम स्मोक करेंगे. स्मोक करने के लिए आपको लेना है एक छोटा सा पीस चारकोल का और उसे गरम करना है. जब ये चारकोल का पीस बराबर से लाल हो जाए तो इसे उठाकर इस बीच वाली जगह पर रखना है आपको, और उसके ऊपर एक पीस क्लव का डालना है. फिर उसके ऊपर दो बूंद घी की डालनी है. देखिए ये धुआं जो निकल रहा है वो घी के वजह से निकल रहा है, और ये पूरा जो स्वाद है, ये जो स्मोकी इफेक्ट है, वो आएगा राजमा की पेस्ट को. इसे 2 मिनट के लिए रख देना है और फिर इस चारकोल को बाहर निकालना है. ये हो गया हमारा गलौटी का मिक्सचर तैयार. मेरे पास यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस हैं और धीमी आंच पर, एकदम बिल्कुल धीमी आंच पर इन्हें इस पैन में डालकर पकाना है. विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीन चिली, उसको थोड़ा स्लिट करके फाइनली चॉप करना है. इसे डाल देते हैं इस बोल में. विल टेक सम ग्रीन अनियंस, ये जाएगा इस बोल में. अब इसमें डालेंगे पपाया. पपाया को आपने रफली चॉप करना है छोटे छोटे टुकड़ों में. तो ये जो टुकड़े हैं ये वापस इस बोल में डाल देते हैं. अब इस सालसा में डालेंगे क्यूमिन पाउडर यानी जीरा. वील ऑल्सो पुट स्पूनफुल ऑफ हनी इन इट, शहद, और 2 चम्मच इसमें जाएगी बल्सामिक विनेगर, वो शपांग वाली टेस्ट के लिए. इसे मिक्स कर लेना है. अब इसमें डालना है थोड़ा सा नमक और थोड़े धनिया के पत्ते. धनिया के पत्ते जो हैं वो रफली चॉप करें. ये बन गया हमारा सालसा तैयार. अब बारी है गलौटी बनने की. इस टोस्ट को हम निकाल लेते हैं इस पैन से. अब जो हमारी गलौटी की मिक्सचर है उसे हम लेकर उसकी टिक्कियां बनाएंगे. एकदम छोटे छोटे पोर्शंस लेने और एकदम हल्के हाथों से उसका एक ऐसा वाला टिक्की बना देना है जो है गलौटी. तो चलिए इसे हम पका के तुरंत प्रेजेंट कर देते हैं क्योंकि ये ज्यादा देर टिकेगा नहीं. के ऊपर हम डाल देंगे ये जो टोस्ट हमने बनाए हैं वो टोस्ट रख देते हैं, और अब इन गलौटी कबाब को हम इस पैन में डाल देंगे. संभाल के उठाना पड़ेगा और संभाल के डालना पड़ेगा, बहुत नाजुक है ये. उसे उठाने के लिए एक स्लाइसर की जरूरत होगी आपको. जब आप इसे टर्न करके, सिर्फ ये देखना है कि वो कुरकुरा है कि नहीं,
ये एकदम क्रिस्पी वाले गर्मा गर्म फ्लेवर से भरे हुए राजमा के गलौटी कबाब। तो ये गर्म हो चुके हैं, तो लेट अस सर्व दीज नाइस गलौटीज ऑन दिस टोस्ट और इसे फिनिश करने के लिए अब हम इस पे ये सालसा डाल देंगे। गार्निश के तौर पर जो पत्ते हैं कोरिएंडर के वो लगाने हैं।